Assalamu alaikum, I am Iqra Adil and I welcome you to the platform of Step Institute of Art Design and Management. आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने वाले हैं वो पाकिस्तान की एक नामवर और काबिल-ए-तारीफ शख्सियत है. मिस्टर जमील हुसैन इज अ सेरामिस्ट, हमारे मुल्क के बहुत वेल नोन आर्टिस्ट में से एक हैं. ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस ग्रुप प्लस सोलो, एंड ये उन आर्टिस्ट में से हैं जिन्होंने अपनी पहचान ऐसे शोबे में बनाई जो हमें हमारी तारीख से जोड़ती है, और ऐसे शोबों में पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम है. तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया और ऐसी कौन सी मुश्किलात थीं जो इन्हें पेश आईं अपने इस सफ़र को जारी रखने में और जहां वो आज हैं वहां तक पहुंचने में. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर जमील हुसैन, आर प्राइड एंड आर ऑनर एंड अ वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान. Ji, so let me introduce you to the man of pride and honor, a great ceramist and a well-known personality of Pakistan, Mr. Jameel Hussain. Assalamu alaikum, sir. How are you? Ji, walaikum assalam. Shukran, alhamdulillah. I'm fine. What about you? Sir, I'm good, alhamdulillah. Sir, pehle to sabse pehle, please tell us about your journey and share your success story. Kaise shuruaat hui aur kahan aapne socha tha pahunchna hai aur phir pahunchne ke baad क्या आपका सारा जर्नी रहा? प्लीज. बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर, मैंने ग्राफिक डिजाइन में मास्टर किया है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन पंजाब यूनिवर्सिटी से. ये जो सिरेमिक्स के जर्म्स हैं वो बाद में डेवलप हुए. एक वर्कशॉप की 2009 में, उसमें मट्टी से जो एक पुराना ताल्लुक डिसकनेक्ट था शायद वो कनेक्शन दोबारा बहाल हुआ, और फिर मीडियम को थोड़ा स्टडी किया मजीद. तो बस सर वो अल्लाह ताला के मामलात है. मेरा ख्याल है कि इंसान को सिर्फ काम करना है, वो इज्जतें उसने अपने हाथ में रखी हुई हैं कि वो एक मामूली चीज मिट्टी से भी इंसान को कहाँ से कहाँ. आई एम वेरी ऑनर्ड, आई एम वेरी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी थैंकफुल टू द गॉड एंड द पीपल्स अराउंड मी कि उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और मेरे दोस्त, मेरे टीचर्स, मेरे कोलीग, फैमिली. तो फिर वो आप उस लगन में जब आप देखते हैं ना कि आपको, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट हमारे पास एक जो एप्रिसिएशन है वो एक ऑक्सीजन का काम कर रही होती है. तो लिहाजा वो जब आपको एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर आप और लगन से काम करते हैं, बूस्ट अप होते हैं. तो बस इट्स ब्लेसिंग. और पहले तो अपने सिर्फ ड्राइंग रूम के लिए किए, फिर वो जब दोस्तों ने देखा तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि डिफरेंट जगहों के रेफरेंस देने शुरू कर दिए कि वहाँ पे भी बहुत अच्छी हवेलियाँ हैं, फोर्ट्स हैं. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो दोस्त हम बैठ के टाइम ज़ाया करते थे पॉलिटिकल डिस्कशंस में या फजूल गुफ्तगू में, तो वो एक उनमें एक इंटरेस्ट डिवेल्प होना शुरू हुआ, तो उनको भी वो चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो गई जो मुझे अच्छी लगी. तो दैट्स व्हाई फिर मुझे वो काफले को बढ़ाना था. तो मेरे अगर 5 दोस्त थे ना तो वो मुझे उन लोगों को बढ़ाना था जिनमें ये इंफॉर्मेशन डेवलप हो, अवेयरनेस डेवलप हो. तो दैट्स व्हाई आई प्लान्ड एग्जीबिशन. और फिर मैं जो एग्जीबिशन करती हूँ, जैसे पहली थी मिटना टैंक कहीं, फिर थी लिविंग लेजेंड्स, फिर साइलेंट विस्पर्स. तो मैं अपनी एग्जीबिशन के नाम भी ऐसे ही रखता हूँ कि वो एक पूरा दे रहे होते हैं अबाउट माय वर्क. सही सर, ये चीज़ बड़ी कम देखने को मिलती है ना आजकल. लाइक ये चीज़ें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं अपनी सकाफत वाली सब एलिमेंट्स. अब मॉडर्न सेटिंग्स में हम जरा आगे निकल गए हैं ज्यादा. मसला ये है कि नहीं, जो नई जनरेशन है ना वो कहती है शॉर्टकट्स पे बिलीव करती है. yes. पहला क्वेश्चन कहता है सर काम कैसे बिकेगा. मैंने कहा बेटा मैंने कभी ये सोचा कि कैसे बिकेगा, वो तो फिर अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बनाता है. तो शॉर्टकट्स के अलावा जो एक जो असाइनमेंट होती है ना वो यहाँ से शुरू होती है. लोगों का ख्याल है कि फाइन आर्ट्स जो है वो सिर्फ एक विजुअली चीजों को डेवलप करने का नाम, वो ऐसा नहीं है. पहले आप यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, फिर वो पेपर पे कन्वर्ट होता है, फिर और यहाँ के लिए आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपकी जो मेमोरी है, आपका अपना जो इंसाइक्लोपीडिया है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग yes, ऐसे होता है कि आप ट्रेवलिंग, लाइकिंग, जर्नी, लोग ऑब्जर्व करना, चीजों को देखना, तो वो शायद मेरा मेरे में इंस्टेंट जो वो आर्ट में आने से पहले से था.
लेकिन फाइन आर्ट्स ने हमें रिफाइन कर दिया, और वो मैं कहता हूँ कि वो जो एस्थेटिक्स होती है ना, वो अल्लाह ताला ने हर एक को दी होती है। जब आप कुछ चूज करते हैं ना अपने लिए, कपड़े या शूज, तो इसका मतलब क्या आपने कुछ एस्थेटिक्स हैं कि आप चूज कर रहे हैं, तो हमारी इस वजह से थोड़ी रिफाइन हो जाती है कि हम प्रॉपर एक एजुकेशन में चले जाते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो क्ले के साथ लिंक है उसके साथ, के मैं कहता हूँ अगर मुझे फंसेंगे मेरी बात में, मुझे जेल हो जाए ना, तो मैं बेस्ट काम करूँ कि मुझे और कोई काम ना हो, कमरे में बैठा और कोई काम ना हो, वो शायद वैसा ही अल्लाह मेरे कोई माहौल बना दिया। तो लिहाजा वो सिर्फ मट्टी थी मेरे पास, कुछ मैंने अरेंज की, बस वो एक था, बाकी तो मैनुअल। फिर वो मैंने ये कोशिश की कि मैं इस पूरे सिनेरियो में कैसे अवेयरनेस बिल्ड कर सका हूँ लोगों में, कि वो घरों में रहें और हैंड वॉश करें या कितना। तो फिर मैंने टेक्स्ट की बजाय विजुअली काम स्टार्ट किया, यानी कि मैंने जो क्रिएट पीसेस क्रिएट किए उसमें माय होम स्वीट होम या स्टे होम, फिर माय होम माय फोर्ट, तो वो ऐसे टॉपिक थे कि लोग काम को देखें। और वो फिर मैंने काम को, अभी वो रॉ था, अभी किलन में नहीं गया था, वाइट फॉर्म में था, कच्ची मिट्टी थी, लेकिन उसमें क्योंकि टाइम था कि मैं चाह रहा था कि किसी तरह विजुअली मैं बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग एन पाकिस्तानी मैं जो एक अपना पार्टिसिपेशन दे सकता हूँ इस उसमें, तो वो मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, लोगों ने बड़ा पसंद किया। तो फिर उसी उसमें जब आप सोचने शुरू हो जाते हैं ना, क्योंकि वो सारा एक बहुत फियर वाला काम था, एक तो ये था यहाँ तो आप डर के बैठ जाएं खबरें सुन सुन के, दूसरा ये कि आप दूसरा जो हल है ना वो ये है कि खबरें ना सुने और सोचें कि कैसे पॉजिटिवली इस चीज को हैंडल करना, क्योंकि इनकरेज करना सर्कमस्टांसेस आते हैं मुख्तलिफ, आपको लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन उसमें डर के या हार के बैठ जाने से तो आप मसले हल नहीं होते, आपको फेस करना होता है, आपको फाइट करना होता है। और बीग एन नेशन, ये तो नेशनल बल्कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो हमें मिलके इसको सॉल्व ऐसे ही है। और वैसे भी इससे थोड़ा टाइम मिल गया ना, मतलब हम लोग जितनी मसरूफ जिंदगी गुजार रहे थे अपने लिए अपने काम के लिए टाइम मिल गया कितना। हाँ, करने नहीं, के और लिए। मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया मैंने, मतलब काम को भी एंजॉय किया। फिर वो था कि कोई वो नहीं था कि बाहर भी नहीं जाना, घर में रहना लिमिटेड से, तो वो बड़ा एक अच्छा सा फैमिली टाइम भी एंजॉय करता है इंसान। लेकिन हाँ, अल्लाह का बहुत एहसान। और दूसरा ये कि वो जो मेरा जो सब्जेक्ट है ना, ये वो ऐसा है कि मेरा हॉबी जो थी ना वो एज ए हॉबी ही है मेरा। जो दूसरा फाइन आर्ट्स के अलावा मैं ट्रैकिंग हाइकिंग कैंपिंग मेरा फेवरेट, तो वो उसके अलावा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा। और जब बिल्डिंगों से पुरानी हवेलियों से फोर्ट से लगाओ कुछ जीन्स में है, क्योंकि मेरे फादर भी जोग्राफी के थे, मेरे फादर इन लॉ हिस्ट्री के हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ भी विजिट करके, वाइफ भी मेरी लाहौर कॉलेज में होती हैं, फाइन आर्ट्स हैं, तो बच्चों में भी एक था। और वो शायद वो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ जो हमारी बिल्ट हेरिटेज को। और फिर वो जो हमारे साथ, क्योंकि हमारा कैंपस था ओल्ड कैंपस पुरानी नारकली और नारकली के दरमियान, तो हमारे सामने सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, हम बैठ के सिर्फ ना क्या कहते हैं कोसते रहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री कुछ नहीं कर रही, टूरिज्म कुछ नहीं कर रहा, ये फलाना कुछ नहीं कर रहा। तो फिर जब ये मट्टी को मैंने रीड किया तो मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ, बात करना बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू टॉक इन एवरी टाइप ऑफ, बट प्रैक्टिकली काम करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं जो बात करता हूँ इसलिए फिर मुझे साथ काम भी करना पड़ता है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा फिर वो एक स्टेज आई कि मेरा काम खुद बोलने लग गया, जो मुझे बताना पड़ता था कि रुको ये मैं ये कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, ये चीजें खतरे में है, इनको संभालो, दूसरे मुल्कों ने इसे टूरिज्म डेवलप किया, मतलब बहुत ज्यादा मेरे में वो एक था कि और मेरे में पता नहीं एक इंसिडेंट है कि मैं जो अच्छी चीज देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं और अपने दोस्तों को अपनी फैमिली को उनको दिखाऊं। तो बल्कि पीछे भी एक इंटरव्यू था, मेरा एक बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे इन फ्यूचर कभी रिटायरमेंट के बाद मैं एक बस खरीदूंगा, और आर्टिस्ट को तो खास तौर पे जरूर क्योंकि उनको देखना चाहिए, वो हम एक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आर्टिस्ट का जितना बड़ा एक्सपोजर होगा ना वो उतना ज्यादा
अच्छा अपने कल्चर को डिबेट कर सकेगा और उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेगा. होता ये कि आप स्टूडेंट को आपको टास्क देते हैं ना, स्टूडेंट फॉरन नेट पे जाके रेफरेंस से जो रेफरेंस होते हैं ना वो सारे वेस्टर्न है. ठीक है, गूगल पे आपको मिलेंगे ज्यादातर रेफरेंस. आपके इर्द गिर्द ही प्रॉब्लम है. ठीक है, जैसे कहते हैं ना खुशी जो थी ना वो भी आपके इर्द गिर्द ही होती है. वो नानी की अनक की तरह होती है कि अब सर पे लगी होती है, सारे घर में ढूंढ रही होती है कि किधर. तो लिहाजा जो सब्जेक्ट भी है ना वो आपके इर्द गिर्द भी है. आपने चूज करना है कि आपने किस पे काम करना है. क्योंकि जब ये ऐसा नहीं कि मैं ये इसी सब्जेक्ट पे काम किया और उसमें सक्सेस हो गई. मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ा. लोगों ने कहा कि सिरेमिक तो वॉज और पॉट होता है. ठीक है, वॉज और पॉट से तो आप क्यों बाहर निकल आए. और मुझे ये भी सुनना, मतलब थे हमारे घर में, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो आप इसकी इंटेग्रिटी खराब कर रहे हैं. लेकिन वो हमारे ही जब मेरी फोर्थ एग्जीबिशन थी तो उन्होंने मुझे कहा कि जमील तुमने कंटिन्यूस काम करके साबित किया कि यू आर राइट इन योर ट्रैक. तो लिहाजा आपको कॉन्स्टेंट होना पड़ता है बाजार अपने काम के ऊपर. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस और फिर वो मेरा काफिला भी बढ़ता गया, लोगों का, फैंस का. तो अब लोग इंतजार में होते हैं कि कब. और फिर ये होता है कि टीचर भी पूछते हैं भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो वो लिहाजा मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आर्टिस्ट तरफ थोड़ा सा प्योर सा बंदा हूँ कि झूठ नहीं बोल सकता कि मैं ना कर रहा हूँ और मैं कहूँ जी मैं कर रहा हूँ. तो वो लिहाजा वो फिर आपको करना पड़ता है. और फिर उसका मेरे पास अपने तरीके हैं कि मैंने अपने आप से कैसे काम लेना. कि मेरा एक गवर्नमेंट जॉब है लामेकुल मेडिकल कॉलेज में, फिर मेरा बिजनेस है, ये इसको मैं अभी पार्ट टाइम, ये मेरा हॉबी है. अच्छा, ये भी आपकी हॉबी है. यही है, जो भी देख रहे हैं वो कहते हैं आप सिर्फ यही करें बाकी सब फजूल है. खैर एनी हाउ, आप यकीन करें मैं सुबह से मतलब मेरी जॉब है, फिर मैं वहां से 2 बजे करीब अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी जाता हूँ, वहां से 8-9 बजे आता था. उसके बाद फिर मैं बाद जब इतना थका होता लेकिन मैं सुबह ही स्लैब बना के चला जाता था. अब वो रास्ते में सोचता अच्छा मैं जाके सो जाना, लेकिन वो जैसे ही मैंने देखा स्लैब पड़ी हुई है फिर मैंने कहा वेस्ट हो जाएगी इस पर कुछ ना कुछ. फिर वो जब आप काम करते हैं ना तो फिर आपको पता लगता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम. आप डेली रूटीन में कितना टाइम जाया कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि उससे पहले आपने एवेल्युएट नहीं किया होता काम टाइम को. ठीक है, आप बहुत सारा टाइम हम वैसे जाया कर देते हैं. लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं ना फिर आपने डिवीजन की होती है, ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं. फिर मेरा तो ऐसे होता था ना कि 9 o'clock मैंने डिनर भी करना, साथ न्यूज भी सुन लेनी है, ताकि एक ही इसमें विद इन हाफ एन आवर मेरे दोनों काम. हाँ, दो तो लिहाजा वो. और अल्हम्दुलिल्लाह की कोई नीयतें अच्छी हैं अल्लाह ने और काम करने की आदत है, तो वो जो मैं टारगेटेड लाइफ में टारगेट बनाया होता है वो मैं तकरीबन 90-95% अचीव कर लेता हूँ. और वो मैं बिल्कुल मेरा काम मैंने डिवीजन की होती है कितना ऐसा काम करना है, ये ड्राई होने का टाइम है, ये किलन में जाएगा, इसके बाद फायरिंग होने के बाद ये फ्रेमिंग होगी. जब मैं फ्रेमिंग करवा रहा होता हूँ या सोच रहा होता हूँ तो उसी वक्त ऑटोमेटिकली अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई गैलरी मुझे टच कर लेती है. तो वो फिर मुझे फ्रेमिंग करवानी पड़ती है या वो फिर वो सिलसिला इतना चलता रहता है. तो अल्लाह का एहसान है कि बस वो. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लिंक्ड है कि व्हाई हेरिटेज, मतलब हेरिटेज पे इतना फोकस क्यों. जैसे अभी आपने भी बताया कि किसी ने आपसे कहा था कि कप और वास से तकी है सिरेमिक, बट आपने एक बहुत अच्छा मैसेज, बल्कि मैं खुद क्योंकि आर्ट हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ तो मैं खुद इस चीज़ को समझती हूँ कि हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व होना चाहिए, लेकिन व्हाई आपने इस तरफ कैसे रुझान गया आपका. अच्छा ये ना कैसे रुझान गया, मतलब मुझे पसंद थी बिल्डिंग्स. ठीक है, अभी ये होता है कि आर्टिस्ट हम क्योंकि आपका हिस्ट्री के साथ है तो मैं एग्जैक्ट बिल्डिंग्स को कॉपी नहीं करता. मेरा 95% काम जो इमेजिनेशन बेस्ड है, उसमें नरेशन है, उसमें स्टोरी है, उसमें मतलब मुझे कमेंट्स मिलते हैं और मुझे वो सक्सेस मिलती है. जैसे आप कोई भी विजुअल फॉर्म में जब आर्ट आप क्रिएट करते हैं तो देखने वाला अगर उस इरा में चला जाए तो वो आपके लिए एक सक्सेसफुल इवेंट होता है या एक सक्सेसफुल पॉइंट होता है. तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेरा काम देख के ना लोग अपनी पुरानी हिस्ट्री को याद करना शुरू कर देते हैं. मतलब जैसे गुमटी 2 था तो वो लाहौर कल की टीम वीसी बुशरा मतीन, तो वो मुझे जब मेरी पहली एग्जीबिशन पे आई
तो कहती इसके साथ एक दुपट्टे रंगने वाली दुकान थी, वो बड़ा अच्छा दुपट्टे रंगता था, हम उधर जाते थे। तो वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई कि मैं बार दफा मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि वो फिर वो कुछ गेट से, लाहौर के गेट से इंस्पिरेशन वो जब मैंने किए तो एक खतून आई, वो उन्होंने मुझे कहा जी कि वो एग्जीबिशन पे कि जमील जब हम लाहौर के गेट से टांगे के बैग से गुजरते थे ना तो उसकी फीलिंग्स ही कुछ और। तो लिहाजा वो जो उस इरा में लेके जाना ना वो एक सक्सेसफुल मुझे वो लगता है। और देखें हम दुनिया में आए हैं कुछ देने के लिए, ठीक है, लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए आए, ठीक है। देने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे आप देते हैं नॉलेज देते हैं, बेशुमार चीजें हैं, लेकिन जो आप इम्प्रेशन छोड़ के जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो फिर आगे फॉलोअर्स बनेंगे। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं कुछ ऐसा इम्प्रेशन छोड़ के जाऊं कि लोग उसको आगे लेके चले, मैं ना भी हूं तो वो एक अवेयरनेस डेवलप हो जाए और फिर उसके बाद उसको लोग फॉलो करें और लेके चले। तो लिहाजा हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल मोर देन 50% कंट्रीज ने अपने टूरिज्म से डेवलपमेंट की है। और हमारे यहाँ हम इतने नवाजे हुए लोग हैं, अल्लाह मियां ने इतना ज्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क को नवाजा हुआ है। क्योंकि मैंने तो देखा है उसके कल्चर देख लें, ठीक है, इनके फेसेस देख लें, पाकिस्तान के, बलोचिस्तान के, स्कर्दू के, हुंजा के, ट्राइबल एरियाज के, केपी के, मतलब बेशुमार वेरिएशन है, ठीक है। और उसके बाद इनके ड्रेसेस में, इनके फोक डांसेस में, डेजर्ट हमारे पास इतने जबरदस्त है, हाई माउंटेन्स हैं, वेरी हाई माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़ी बड़ी वाटरफॉल्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क को इतना ज्यादा नवाजा वाला, मैंने कुछ मुल्क विजिट किए हैं लेकिन कहीं कुछ है तो कुछ नहीं है, कहीं एक चीज है तो दूसरी नहीं है। तो हमें तो हर तरह से अल्लाह मियां ने दिया हुआ है, तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हमें एक तो इसको कैसे उस वजह से कैसे आपने प्रमोट करना। तो लिहाजा पहले लोग थे जिन जैसे एक हिस्ट्री बना गए, वो कम लोग थे, अब हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोग कम हैं। जो अब आप देखेंगे ना ये लिटरेरी जो कॉन्फ्रेंस होती है लिटरेचर में, फैज अहमद साहब ये फलाने उनके लगे होते थे, मैंने देखा रोड साइड पे नियम उनके लगे हुए स्ट्रीमर्स, तो मैंने कहा आने वाले दौर में ये तो सारे खत्म हो गए, अब नई जनरेशन में तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मेरी बात फॉलो कर रहे जी? क्योंकि बच्चों में लिटरेचर की कमी हो गई है। अब हमें जो है ना इनको देखना चाहिए, और लिटरेरी ही लिटरेचर और जो लिटरेरी लोग हैं वही मुल्क को संभालते हैं। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी आर्टिस्टों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो समझते हैं कि लोगों की क्या फीलिंग्स है, लोगों की क्या वैल्यूज है, आपके इर्द गिर्द क्या है। वो उनको अल्लाह मियां ने एक खास ताकत दी होती है जो आम बंदों में नहीं होती, चीजों को ऑब्जर्व करने की, देखने की, फील करने की। चल अब तो वैसे भी बुक्स का रुझान तो बहुत कम हो गया है ना अब आजकल की जनरेशन में, तो जैसे ही हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम साथ ही गूगल खोल के बैठ जाते हैं, बुक्स तो हम देखते ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, आप देखें मैंने जब माउंटेन एक्सप्लोर करने शुरू किए तो मैं तारर साहब से इंस्पायर्ड था। अब मैं उनकी किताबें पढ़ के हम फेरी मेड हो गए, और अब जब मेरी बेटी यहाँ हो कि और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जाऊँ बच्चों के साथ। खैर मैं बेटी के साथ अभी पीछे गया था, रत्ती गली ट्रैक किया और बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। बल्कि जो बाकी थे कुछ लोग सर वो घोड़ों पे थे और मैं और तो और बड़ी छोटी छोटी आप होती हैं ख्वाहिशें, लेकिन नेचर ने इतनी खूबसूरती दी है कि शायद जो घोड़ों पे गए उन्होंने तो चीजें मिस कर दी हैं जो रास्ते में हमने वाटर चैनल देखे, जो प्लांट थे, जो फ्लावर्स थे, तो वो छोटी छोटी चीजें इतनी एंजॉय करने वाली थी कि फिर मैंने क्लोजअप बनाए। अच्छा, और फिर उस जगह पे के बाद उस जगह पे जाना, उन चीजों को देखना, और मैं अपनी तस्वीर पुरानी हिस्ट्री को उसके साथ टैली करता हूँ, तो मैं जो बहुत ही मैंने एंजॉय किया उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह ने पॉजिटिव एक्टिविटी दी हुई है, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि हमारी यंगस्टर्स को भी इनको अवेल करना चाहिए। ठीक हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आजकल के मॉडर्न एरा इसको हम कह लेंगे, तो जैसे टेक्नोलॉजी ने हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंस कर दिया काफ़ी ज़्यादा आर्ट एंड डिज़ाइन को। अभी मैंने जैसे एग्जांपल भी दिए, हम रिसर्च की बात करते हैं तो मोबाइल्स निकल आते हैं सबके, तो
कहाँ देखते हैं हम सिरामिक इंडस्ट्री को अगले कुछ साल में, जबकि टेक्नोलॉजी ने इतना टेक ओवर कर लिया है? अच्छा, ऐसा है कि एक होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एक होता है आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, जो वन टू वन पीसेस हैं। मेरा ये मास डेवलपमेंट नहीं है, राइट? मैं एक पीस पे काम करता हूँ, फिर नेक्स्ट पीस पे काम करता हूँ, तो वो उसकी शेपिंग भी हाई रिलीफ, 3D स्कल्पचर्स हैं, कुछ रिलीफ हैं। तो इंडस्ट्री ने अब इवन एनसी में भी जो सिरेमिक्स पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी मुझे एक दफा मेरी एग्जीबिशन दजी ग्रिल में, तो वो उनके स्टूडेंट है, तो वो परेशान हो गए कि ये सर ये कहाँ से काम निकला है हमारा, तो इतने हमने तो कभी देखा नहीं है सर। तो खैर वो ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस कर रहे होते हैं। अब आपको एक अल्लाह ने मीडियम दिया है, और वो मीडियम ऐसा मीडियम है जिससे इंसान को बनाया गया मट्टी से, और वो जो क्वालिटी और जो नेचर इंसानी बिहेवियर में है, वही नेचर और वही क्वालिटी मिट्टी में आपको मिलेगी, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को देखें, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें कॉमन है, रिलेशंस को जोड़ना, जो इसमें जो बिहेवियर में फ्लेक्सिबिलिटी है वो होना, फिर किस टाइम आप क्या बात कर सकते हैं इंसान से, इसी तरह इस मट्टी पे भी किस टाइम आप कार्विंग कर सकते हैं, किस टाइम इसको जोड़ सकते हैं, तो एक कुछ स्पेसिफिक टाइम है, तो वो जब आप इससे फ्रेंडशिप करते हैं तो वो आपको खुद ही उसकी नेचर का पता लग जाता है। तो वो और बड़ा कभी हुआ था, मैं जरूर इस पर एक आर्टिकल लिखूंगा कि इसका जो बिहेवियर है क्ले का, वो ह्यूमन बिहेवियर के बिल्कुल पास। मेरा एक्चुअली अगला सवाल यही था कि आप इतना हेरिटेज की तरफ आपका रुझान है, तो कभी राइटिंग की तरफ आपका रुझान नहीं गया कि कुछ इसके ऊपर लिखें भी? हाँ, नहीं, मैं शायद शायद इन फ्यूचर, शायद नहीं, दिल तो बहुत करता है, मुझे बहुत सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आपकी थॉट और आपकी साउंड्स और आपकी जो फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, और अगर आप अपने विजुअल से लोगों को एजुकेट करते हैं तो आप जरूर लिखा करें, तो लेकिन ये कि मैं इंशाल्लाह जरूर इन फ्यूचर, जब शायद मैं ये काम ना कर सकूं, लेकिन अभी तो बीच में कभी कभी वो मुझे सर्वाइकल्स, क्योंकि झुका के काम कर कंटिन्यू ना, वो सर्वाइकल फाइन का मसला हो गया, तो वो फिर इस वजह से बीच में कहीं कहीं गैप आ गया। तो अभी मुझे एक मिनट देंगे, हम यहीं से फिर शुरू करते हैं। जी जी सर, श्योर। था हम मैं बात कर रहा था कि कंटिन्यूस काम करने में ना इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है कि बाज दफा आपको पता नहीं लग रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप तो मट्टी के साथ काम कर रहे होते हो, तो आप तो उस फॉर्म में होते हो कि आप इंजॉय कर रहे हो, तो मैं जब फिर बेड में जाता हूँ तो मुझे पता लगता है ओहो अगर पाँव के साथ ये हो रहा है तो ये, अगर ये, तो उस वजह से ना मुझे पिछले साल सर्वाइकल स्पाइन का मसला हो गया, तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि यार ये क्या मतलब मुझे तो नहीं समझ आ रहा। मैं मतलब मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मैंने तो काम करना है, वो बल्कि उन्होंने कहा बस समझे जितना करना था कर लिया। मैं कहना ये ना कहे मुझे मैं मतलब समझे कि ये मैंने हर सूरत करना है करना। तो खैर वो अब मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ, और फिर जो मैंने अभी बताया ना रत्ती गली का टूर, वो फिर इसलिए लगाया कि मैं अपने आप को चेक कर सकूँ मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो शुक्र है कि मैं आज के जो यंगस्टर्स हैं उनके मुकाबले में कहीं बेहतर था, और मैं ऐसे ही खुद से ही अपने एक होता ना सेल्फ, आप वो कहते हैं कि मैं ये शायद ना कर सकूंगी, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, और फिर ये कोविड एरिया में तो खैर पेंडेमिक में जो था ना वो बड़ा अच्छे तरीके से मैंने काम किया और इंजॉय किया लॉट। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब इख्तिताम की तरफ जाने वाले हैं हम, एट द एंड मुझे आप एक कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपकमिंग जनरेशन, जो अब आर्टिस्ट आ रहे हैं जो इस शोबे की तरफ जिनका रुझान है, उनके लिए कोई देना चाहेंगे? हाँ, एक तो जिससे अगर आपने क्ले में काम करना है ना, पहले तो मीडियम को स्टडी करें। मीडियम इज योर फ्रेंड, जैसे आप दोस्ती करते हैं ना किससे, तो आपको पता लग जाता है कि ये मैं ये बात करूंगा तो ये नाराज हो जाएगी या ये हो जाएगा, तो लिहाजा आप को मीडियम को स्टडी करना पड़ता है। और जब आप कर लें, दो चीजें हैं, एक तो आपकी हार्ड डिस्क जिसमें पहले जिक्र कर आपकी मेमोरी आपके वो आप में हो, वो रजिस्टर होती रहती है टाइम एज के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, और लर्निंग आप में कि आप में कितनी विल है चीजों को सीखने की। असल बात ये है
कि विल है और फिर आप कंसीव करते हैं. जो प्रैक्टिकल काम करना है ना वो स्किल है. ठीक है, स्किल आपको कॉन्टिन्यूस काम करने से मिलती है. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन हासिल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत भी करनी पड़ती है. ऐसी कोई हिस्ट्री में मिसाल नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा हो और उसने कोई मेहनत ना की. आप किसी की भी हिस्ट्री उठा के देख, एजुकेशन में, आर्ट में, किसी भी फॉर्म में, पीछे मतलब आपने फोकस रखना है ना अपने आप को. हाँ, फोकस और डेडिकेशन से काम करें. मतलब इतना हो के आप, मतलब मैं पहले इस बात से समझता था कि ये जब कुछ लोग आर्टिस्ट ये करते थे कि ऊपर से आते हैं आइडियाज, मैं किसी की मिसाल नहीं देता तो बड़े मुझे बड़ा फजूल सी बात लगती थी कि यार ये बहुत फजूल सी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है. लेकिन मेरे साथ होता है अब, क्योंकि आप जब कंटिन्यूस एक चीज के बारे में सोचते रहते हैं, ये काम कर रहे होते हैं दिन रात, गाड़ी चलाते हुए, बैठे हुए, नाश्ता करते हुए, खाते, और ऑटोमेटिकली फिर तो वो आप उसी के इर्द घूम रहे होते हैं. तो मैं तो ख्वाब में भी बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह पे चला जाता हूँ और ऐसी ऐसी होती है कि मैं कई दफा दो दो दफा एक ही जगह पे चला जाता हूँ ख्वाब में, कि मैं पहले भी उधर गया होता हूँ. और वो फिर मैंने इसलिए अपनी ना एक स्केचबुक बिल्कुल अपने तकिए के साथ रखी हुई है, उसमें कुछ एक दो लाइन्स लगा लेता हूँ ताकि सुबह तक वॉश आउट ना हो जाए. फिर वो उसको जब मैं मेकिंग में लेके जाता हूँ सॉरी अपने कॉन्सेप्ट को, तो वो तकरीबन 80-90% मजीद रिफाइन हो जाता है उससे जो मेरा कॉन्सेप्ट होता है. ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच. आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, इतना आपका वक्त हमने लिया. कैन वी हैव अ विजिट ऑफ योर छोटा जो भी आपने एग्जीबिशन अपना थोड़ा बहुत अपना डिस्प्ले लगाया हुआ है, क्या हम उसका थोड़ा सा विजिट कर सकते हैं? नहीं, मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास इंटरेस्ट होता है, विलिंग भी होते हैं देखने के लिए. मेरा काम थोड़ा सा समझे स्कल्पचर और नेचर की मिक्सिंग है, तो मैं अभी आपको विजिट करवाता हूँ कुछ चीज़ों को. मैं आपको एक सेकेंड में, ठीक है, दो किस्म का मेरा काम है. एक है 3D स्कल्पचर्स है, ठीक है, जैसे ये है, और कुछ जैसे रिलीफ्स हैं वॉल्स. अब क्योंकि इसमें फ्लिप नहीं हो रहा तो ये रिलीफ है, और इसमें जो ब्लू शाइनिंग है ये ग्लास है. ये हम क्रिस्टल फॉर्म में इंसर्ट करते हैं, फिर जब वो किलन में जाके फायर होता है 1200 डिग्री पे तो वो मेल्ट हो जाता है. इसी तरह ये ग्रीन झरोका है, इसमें भी ये जो है ये ग्रीन, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है. और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ग्लेज नहीं है बिल्डिंग, तो लिहाजा मैं ग्लेज नहीं करता लेकिन ग्लास कहीं कहीं यूज करता हूँ. राइट, अब ये भी के साथ का एक सिंगल झरोका है. ये पोर्टर्स वॉल है, जैसे पोर्टर्स, और इसमें भी जो ब्लू आपको नजर आ रहा है वो ग्लास है. हाँ जी, ग्लास है, वो मेल्ट होके, क्योंकि 1200 डिग्री में फायर होता है तो मेल्ट होके वो अपनी जगह बना लेता है. राइट, ये राइजिंग नेम ऑफ अल्लाह है. ये एक पैनल है 4x4 का, इसमें क्यूब्स फॉर्म है, और कुछ अल्लाह के नाम है, इस्लामिक पैटर्न है, और ये कुछ बीच में मैंने झरोके ऐड किए हैं. इसमें भी सर जो ग्लेज दिख रहा है ग्लास ही है जो थोड़ा बहुत. हाँ जी, ग्लास है, और ये अप एंड डाउन है. हाँ जी, ये अप एंड डाउन है, क्योंकि ये वो उसमें है ना राइजिंग नेम ऑफ अल्लाह, तो वो कंटिन्यूस पे, और कुछ क्यूब्स भी पे मैंने एक दो खाली रखे हैं ताकि वो कॉन्सेप्ट हो एस्थेटिकली उसको करें. जी वाओ, ये एम्प्रेस हो गया एक, ये उसकी वॉल्स है, ये आपको दो क्यूब्स है, उसके ऊपर का ये टॉप है. ये कुछ मैंने लालपुर म्यूजियम का काम किया था उसके हैं. ये मेरा एक टेराकोटा का, दो किस्म की क्ले मैं यूज करता हूँ, एक टेराकोटा और एक स्टोन वेयर. तो ये टेराकोटा का है,
और इसमें टेराकोटा हमारी ट्रेडिशनल ट्रे है, क्ले है सॉरी, जिसमें हम हमारी मोहेंजोदारो की पॉटरी और जो हड़प्पा की सारी टेराकोटा में मिलती है, तो ये वो वाली क्ले है। और ये गुमटी टू है, क्योंकि इसको मैं व्हील के ऊपर आपको सर्कल करके दिखा सकता हूं, स्टेयर्स हैं इसकी इतनी सारी, और ये टेराकोटा है राइट, ये रिलीफ, ये भी एक वॉल रिलीफ है जस्ट रिमेन्स। ये मेरा एक हाईएस्ट टावर है और मेरी जो इसका नाम है हाइट ऑफ हेरिटेज, ये मैं ऊपर से पहले आपको दिखा दूं नीचे, पता नहीं अब आपको क्योंकि मुझे नहीं पता लगा, मुझे काफी सही दिख रहा है। अच्छा एंगल जो है ना वो ये डाउन से इसका है, ठीक है, ये एक नीचे वॉज है जिसके अंदर से निकल रहा है हाइट ऑफ हेरिटेज, और ये फोर पीसेस पे है, एक यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पीस है, फिर मैंने अपने पीसेस में मैंने ज्वाइन नहीं देता, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक है, और फिर ये ऊपर है। ओरियल विंडोज हैं और ये राजस्थानी स्टाइल की जो बालकनीज वो है वो है, और ये भी एक वॉल के इर्द गिर्द है, सिंगल वॉल है और दोनों साइड बैक साइड पे भी है। और कुछ पहले मैं काम के इनसाइड लाइट रखता था लेकिन उससे बाहर की डिटेल नजर नहीं आती थी, तो अब मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें आउटसाइड भी मैंने कुछ लाइटें रख दी, और फिर इसमें मजा ये आता कि जब आप ये देखिए ना ये इनसाइड तो आप बिल्कुल डार्क में जब देखते हैं, हाँ जो जब डार्क में देखते हैं तो वो और इम्पैक्ट नजर आता है, बिल्कुल yes. अगर कमरे की आप ट्यूबलाइट एक दो जला लें फिर और इम्पैक्ट नजर आता है। ये वॉल ऑफ बारादरी है, जैसे क्योंकि बारादरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये एक वॉल के ऊपर बारादरी स्टैंड किए हुए, और एक पॉट है जो हाफ इधर है और हाफ इधर है, ओके यस हां जी राइट, और इसके 12 दरवाजे हैं ऊपर, और अगर मैं इसको पीछे से लाइट दे दूं फिर आपको पता लगे ग्रीन जब ना अंदर से ऐसा इंपैक्ट, और लाइट के ऊपर मैंने खासा जोर दिया कि वो है बीच में सिंगल वॉल लेकिन लगता है ऐसे अंदर जीत कमरे हैं, क्योंकि 12 दरवाजे का कांसेप्ट मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा है। ये भी एक लाहौर के डोर्स से इंस्पिरेशन है, इसमें लाइट वाला इंपैक्ट अभी क्योंकि कुछ चीजों को मैं दे सकता हूं टाइम शॉर्ट तक, और इसकी भी डबल साइड, हर चीज की आपने डबल साइड बनाई हुई है, नहीं जरूरी, हाँ लेकिन क्योंकि सेंट्रल पीसेस आप मुश्किल होता है कि क्ले में, क्योंकि क्ले वेट होती है, वेट क्ले जो होती है ना वो उसको स्टैंड करना उस पे काम दोनों साइड पे एट टाइम काम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बस ये मेरा पहला पीस है। अच्छा ये मेरा फर्स्ट पीस है जिनसे इंस्पिरेशन हुई, इसको मैंने अभी तक सेल नहीं किया ना मैंने करना है ये मेरा समझे, इसमें जो ये आप देख रहे हैं डोर के अंदर से एक लाइट निकल रही है, आ रही है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि अक्सर दरवाजे खुले हो तो छोटी सी आप डार्क एरिया में, तो इसमें कुछ स्टेन वर्क, और इसकी जो आर्चेस के साइजेस देखेंगे तो अब मैं आपको जो लेटेस्ट है वो हाँ चले ये साथ वाला दिखा देता हूँ, तो उनके साइज में बहुत फर्क है, उंगली से आपको पता लग जाएगा कि ये उसके साइजेस और अब ये मेरा लेटेस्ट में बना, तो टाइम के साथ साथ कौन से चीजें रिफाइन और मिनिएचर में जाता गया, ये ग्रिक हाँ, फिर ये ब्लू इसमें ग्लास है, ये भी लाल क्यून म्यूजियम का काम था, एक गुलजार महल है चिन्योट में राइट, अगर आप हिस्ट्री की है ना तो ये बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और ये अभी यहाँ तक जो एग्जिस्ट करती ना वो यहाँ तक से नीचे एग्जिस्ट करती, जो ये वाला पोर्शन है ये खत्म हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन मैंने उसकी प्लानिंग तो देख के तो उससे सारी रिसर्च करके उसकी हिस्ट्री देख के तो फिर ये उसकी साइड वॉइस है, अभी ये नहीं है, गॉट इट,
लेकिन ये इसकी राइट, ये एक शिवपुरा फोर्ट में एक दरबार है जिसकी छतें गिरी हुई हैं, ये उससे इंस्पिरेशन। अच्छा ओके, तो पता चल रहा है दरबार की छतें गिरी हुई जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है पीछे। जी पहले मेरा ख्याल था कि मैं इसको वॉल पे हैंग करूंगा एरियल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर वो थोड़ा सा हैंगिंग में मसला था, फिर मुझे ये डर होता है कि क्योंकि आपने इतनी मेहनत की होती है फिर वो बार बार सेकंड्स लगते हैं। ये भी स्प्लेंडेड जो रोकस हैं, ये जो नौलखा है पोर्ट में उससे इंस्पिरेशन है। ये क्लॉक टावर फैसलाबाद का, मैं अगर मुझे कहीं डिस्टेंस पे ले जाए मैं डिस्टेंस पे दिखा दूंगा अगर आपको जो, अगर क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कि आप क्या देख रही हैं। नहीं दोनों तरफ से व्यूज आ रहे हैं, आप करीब से भी दिखा रहे हैं तो भी पता चल रहा है। हाँ क्योंकि ये कैमरा ना वो नहीं होता, फ्लिप नहीं होता, ठीक है। ये मेरा एक कार्ड है जो मैंने अपनी मदर को भेजा था, माँ के मुकद्दस हाथ, ये माँ के हाथों की जो पार्टिसिपेशन है उसके मुताबिक कुछ लिखा हुआ है मैंने पोइट्री मदर्स डे पे उनको भेजा, और फिर उन्होंने इनमें जो सबसे छोटा हो ना वो मैं हूँ, जैसे ये जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, ठीक है। तो वो फिर ये सब बहन भाइयों के साइन है क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली और आखिरी दफा पोइट्री की, अब ना मैं लिखता हूँ ना मैंने की है, क्योंकि ये जब उन्हें मिला तो उनके वो बाहर थी गई, मेरी एक सिस्टर थी, तो वो फिर उन्होंने मुझे बड़ा एक लास्ट अपना लेटर लिखा, तो उसमें दो तीन दफा लिखा कि अपने हाथों को चूना जिनसे ये कार्ड बना। तो इसमें एक बचपन से लेके अब तक इन हाथों की मेहनत के साल साल हमें बुलाया, हमें सुलाया, हमें चलना और हंसना सिखाया, इन हाथों ने रोने पर दिल बहलाया, बाल बनाए, जूते पहनाए, इलम दिया, शऊर दिया, स्कूल के लिए शरबत बनाया, भूख में खाना खिलाया, इन हाथों ने शाबाशी दी, दुआ दी, बच्चों को इंसान बनाया, जिंदगी में जीना सिखाया, मिलजुल के रहना बताया, इन हाथों ने इनकी झुरियां इन की कहानी लॉस के साल हम करते हैं, हम आप याद करते हैं, हम आपको मिस करते हैं, अल्लाह आपको नहीं समझे। तो ये जब मिला तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसके दो तीन दिन बाद उनकी डेथ होगी, लेकिन मुझे लास्ट जो लेटर लिखा वो मेरे लिए एक असासा है। और उस तक मैंने अब कोई क्लेम काम शुरू नहीं किया था, ये समझे कि वो पीछे उन्होंने उस सब मेरे हाथों की तारीफ कर दी थी। ये एक राइटर ने मुझे बाद में एक्सप्लोर किया, जब मैंने उसको दिखाया ना तो उसने मुझे कहा जब आपको उन्होंने आपको लेटर लिखा तो तब आप करते थे सिरामिक्स पहन कर, नहीं मेरा बिल्कुल नहीं था ये, तो मैं जब इस उसमें फंस गया मैं, ये वो मेरे पास मेरे साथ ही थी लेकिन जब डेथ थी वो तब मेरे पास नहीं थी, तो मुझे बड़ा महसूस हुआ। तो वो खैर मैं बड़ा टाइम लगा फिर अपने आप को निकालने के लिए उस सिरा में से, मैंने फिर सिरामिक्स की एक वर्कशॉप की, तो वो उस फेस में से निकालने के लिए, तो उसका बरसात जाना आना वो, तो वो फिर वो समझे कि वो एक जैसे समझते हैं कि एक स्टोरी बनी सारी, कड़ी कड़ी से कड़ी जुड़ गई। हाँ हाँ तो वो बस ऐसे ही समझे। ये लाहौर के जो 6 माल की बिल्डिंग्स हैं, लिविंग लेजेंड्स ऑफ लाहौर, ठीक है, जो माल की प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है, इनमें मैं इधर माल जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से ये जिना हॉल है, फिर लाहौर म्यूजियम है, हेरिटेज म्यूजियम भी नजर आ रहा है साथ में, फिर टोलिंटन मार्केट है, जी फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, फिर हाई कोर्ट है और जीपीओ, और इसी तरह ये कोलाज समझिए मैंने मिक्सिंग की हुई है, 3D में आपको शायद साइड व्यू से अच्छा आपको मिल जाए इसका भी। यस तो ये भी स्क्रोलिंग नेचर है, ठीक है, इसमें भी ये जो शाइन है वो ग्लास है। तो ये फोल्डेड वॉल्स है, हालांकि वॉल्स फोल्ड नहीं हो सकती लेकिन आर्टिस्ट कुछ भी कर सकते ये ये तो एडवांटेज, ये तो आर्टिस्ट की अपनी क्रिएशन है आर्टिस्ट। हाँ फोल्डेड वॉल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा काम था सर, ये थोड़ा नहीं है, ये पिंक टावर है मल्टी ये मल्टी टीयर एक वो टावर है, जरा मेरा टावर थी और ये ब्लॉक्स में है, यहाँ से यहाँ तक एक ब्लॉक है, और ये पिंक सिटी उससे इंस्पायर्ड है समझे। अच्छा, इसमें कहीं आपको कैलीग्राफी भी नजर आएगी बीच में बारीक, ठीक है, और कहीं डोर्स हैं, विंडोज हैं, और ये इसका समझे नीचे से व्यू है, देखो पता नहीं आपको सही आ रहा है, कंसीव हो रहा है। हाँ जी मुझे दिख रहा है, ठीक है, जब मैं कंफ्यूज हुआ ना तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम आप आर्ट इज नॉट मैथमेटिक्स,
बिल्कुल 2+2=4 नहीं है, तो दिल करता है बनाओ। अगर तुम कहता है ना कि बहुत पॉट से क्यों निकल आए हो, तो तुम्हारा दिल करता है बनाओ, दिल करता है मंदिर बनाओ, दिल करता है मस्जिद बनाओ, दिल करता है उल्टा बनाओ, दिल करता है सीधा बनाओ। तो उस एक फिक्र ने मुझे बहुत लिबर्टी दी। तो आप यही एक फिक्रा मेरे पूरे काम में आपको नजर आएगा, वो दिख रहा है। वो मैं वही पहले तो खाली सिरेमिस्ट की जब बात आती है ना, तो वो जब मैंने कहा आप काम देख रही हूँ ना आपका सारा डिस्प्ले, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, कोई भी आर्ट पीस विदाउट कॉन्सेप्ट नहीं है। वो एक बड़ी एक एलिमेंट होता है एक आर्टिस्ट के लिए। बस ऐसे ही है। अभी सब ये मैं लास्ट में आपको जो ये मेरी फॉर सीलिंग है ये दिखाऊंगा। ये मैंने क्योंकि 3D काम है ना, तो एग्जीबिशन में स्पॉटलाइट इसको इनहेंस कर देती है। yes. तो मैं काम लगाना था, तो मुझे इलेक्ट्रिशियन को कहा, उसने कहा जी फॉर सीलिंग करवाया। मैंने कहा नहीं यार, वो तो सारे करते हैं। तो मैंने फिर ये खुद क्रिएट किया। इसमें टावर्स हैं, टेराकोटा भी अप अप साइड डाउन है, राइट, और उनके अंदर लाइट्स भी हैं। कुछ में लाइट्स हैं, कुछ में नहीं है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है। ये भी एक समझे कंटीन्यूअस प्रोसेस है। सब एंजॉय करेंगे इसको। आपके जितना भी आपने हमें वक्त दिया और जितना भी आपने हमें काम दिखाया, उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। Thank you. All to your mind. Also, our good wishes for you, your family, and your work. Thank you, sir. Khush rahein, shaad rahein. Thank you, sir. Take care. Take care, sir. Allah Hafiz.